2008 में मैंने चालू किया था, तभी तो हम लोगों ने सोचा कि टिश्यू पेपर से बना के देखेंगे। उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आ गई कि आप मूर्ति कैसा बनेगी, उसका लेयर कितना रहेगा, टिश्यू पेपर में क्या डालना गिरेगा तो उसको हार्डनेस आ जाएगा। वो जो टिश्यू पेपर का जो लगदा बनते हैं, लगदा ही बनता है, वो हम लोग हमारे डाई के अंदर मार के रख देते हैं। डाई के मारने के बाद वो सूखने के लिए धूप में रखना गिरता है। वो ये प्रोसीजर हम लोग का जनवरी से शुरू होता है क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तब वही पीरियड हम लोग को मूर्ति सुखाने के लिए मिलता है। 2 हफ्ते के बाद एक पार्ट सूखा जाता है। वो पार्ट सूखने के बाद हम लोग उसको जॉइंट करने लेते हैं। जॉइंट के लिए भी हम लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, हालांकि जॉइंट छूटे नहीं। अभी जॉइंट में मतलब हाथ में जॉइंट मारते हैं, हम लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, एक एक पार्ट जॉइंट करते हैं, बाद में मूर्ति खड़ा करने शुरू करते हैं। उसके होने के बाद अंदर सपोर्ट देना ज़रूरी है क्योंकि कागज़ है, उसके लिए हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं। एक बड़े मूर्ति में 14 फुट की मूर्ति में हम लोग का 10 किलो स्टील यूज़ होता है, वो भी रिसाइकल ही है। स्टील है ये रिसाइकल है, और लकड़ा बॉटम पट्टी आता है जो उसमें लकड़े का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं। उससे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बना के लेते हैं। बाद में फिनिश वर्क करने के टाइम हम लोग चॉक पाउडर यूज़ करते हैं। चॉक पाउडर लगा के उसको फिनिश लास्ट टोन दे देते। मंडल लोग आके देख रहे थे कैसा बन गया। तभी छोटी छोटी मूर्ति थी, पर मैंने बड़ा मूर्ति बनाने चालू किया। क्यों? क्योंकि प्लास्टर के मुकाबले ये इतना बड़ा मूर्ति नहीं बन सकता है, ऐसा बाकी के मंडलों का ख्याल था। वो लोग बोलते थे क्या, अरे ये मूर्ति तो छोटा बनेगा, बड़ा मूर्ति नहीं बन सकता है। तो बड़ा क्यों नहीं बन सकता है, हम लोग बना के दिखाएंगे। इसलिए मैंने बड़ा मूर्ति बनाने शुरू की। मेरी मंडल की जो मुंबई का पेशवा, ये मंडल की बड़ी मूर्ति बनाने शुरू की। 15 फीट, 16 फीट, 18 फीट, 20 फीट, 26 फीट उधर तक लेके गया। मंडल देख के आकर्षित होने लगे, क्या बड़ा मूर्ति हो रही है और अच्छे बन रही है। तो धीरे धीरे एक एक मंडल बढ़ते गया। आज मेरे पास मैंने 30-35 मंडल मेरे पास मैंने मूर्ति है। भिवंडी से लेके बॉम्बे का मूर्ति एल्पिस्टन तक है। मंडल बहुत आ रहे हैं। मैंने 50-60 मूर्ति छोड़ भी दिया, पर जगह नहीं है बनाने के लिए, और बड़ी बात है सूख नहीं सकते, एक लिमिटेशन रहता है। मैं जैन में चालू करता हूँ मूर्ति बनाना। वो टाइम से लेके अभी तक मूर्ति चालू है। प्लास्टर का मूर्ति एक मूर्ति आप 2 दिन में बना सकते हैं, पर कागज़ का मूर्ति बनाने के लिए आपको 2 महीने लगता है एक मूर्ति बनाने के लिए। ये उसका प्रोसीजर है। तो अभी मंडल जुड़ रहे हैं, उनको भी देख के समाधान हो रहा है। और अगले साल का मूर्ति अभी मेरे पास बुकिंग हो गया, जिसका मैं ऑर्डर नहीं लिया है। पर हमने 2008 में पहली मूर्ति हम लोगों ने बनाई, वो 14 फीट की मूर्ति थी, कागज़ की मूर्ति। वो सिर्फ पानी में विसर्जन करने के बाद 3 मिनट में पूरा मेल्ट हो जाती है। 2 महीना एक मूर्ति का प्रोसेस लगता है। ये मूर्ति 2008 से हम लोग ने बनाने चालू किया, तभी 14 फीट का पहला मूर्ति बनाया। हम लोग का मूर्ति देखकर सब लोग ने देखा, सबको पसंद आई। और मूर्ति का वजन हमारा एकदम लाइट रहता है। हम लोग का कहना क्या है, जितना मूर्ति वजन कम उतना पोल्यूशन कम। हम लोग का 14 फीट का मूर्ति का वजन 50 किलो है, और वही पीओपी का मूर्ति का वजन कम से कम 400-500 किलो के ऊपर है। हम लोग मूर्ति में टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं और गम यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम लोग वाइटनिंग जो चॉक पाउडर बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग नहीं बोल रहे कि हम लोग पूरा प्रदूषण मुक्त कर दें, नहीं, पर हम लोग उससे बहुत कम कर रहे हैं, हानि बहुत कम पहुँचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हम लोग का ये कागज़ का मूर्ति है ना, वो फ्लेक्सिबल है। वो कहाँ लग गया, कुछ लग गया, पंखू लग गया, कुछ नहीं होता उसको, वो फ्लेक्सिबल रहती है। उसलिए क्रैक आने का वो कुछ संबंध ही नहीं आता। एक ही उसको ज़्यादा बारिश में भिगाने का नहीं। हम लोग का मूर्ति में सिर्फ फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं। हम लोग फैब्रिक कलर क्यों यूज़ करते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि बारिश आती है तो पानी में कभी छिटा बिटा उड़ता है तो वाटर कलर उतर जाएगा और फैब्रिक कलर वैसा ही रह जाता है। तो पानी में डालने के बाद फैब्रिक कलर भी छूट जाता है। प्लास्टिक पेंट से डालते। एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हो सके उतना प्रदूषण कम कीजिए। जो हमारे गणेशोत्सव उसको गालगोट नहीं लगे, नहीं तो हम लोग अच्छा करते हैं, सामाजिक ये भी देते हैं, मैसेज देते हैं, पर थोड़ा भी गलत हुआ तो मंडलों पे ब्लेम भी करना शुरू होते थे। उससे उसमें एक ही मैसेज देता हूँ कि प्रदूषण कम कैसा कर सके। हम लोग सभी मंडल, ज़्यादा से ज़्यादा मंडल सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, सामाजिक कार्य तो करते हैं, तो और गणपति के मूर्ति में भी कैसा करके प्रदूषण कम करना वो भी सीखना ज़रूरी है।